की चर्चाएं हो जाती है और अगले साल वह किताबें समेट लिया जाता है। ठीक है, जहाँ प्रत्येक साल जो है किताबें को बर्बाद कर दिया जाता है, कहता है यह किताब अभी निभाई है। यह सुझाव देनी चाहिए कि आप जो है अपने स्कूल में जो है पुस्तक बैंक बनाइए, आप प्रत्येक स्कूल में पुस्तक बैंक बनाइए, वह जैसे तैसे लेकर के पढ़ लेते हर हाल में स्कूल भेजे, किसी सूरत बना देते थे और वहाँ अधिकार प्रभाव में हारे हुए भी और जिले करके शासक तक जो कोठारी ढेर सारे जो है विसंगतियाँ, आपके गाँव का जो स्कूल है पूरा स्कूल जय श्री राम का की बात करें का नहीं है, बस मेरा बच्चों को लोग चिन्हित करें वहाँ जा करके अगर प्रवचन मैं बोलता हूँ प्रवचन में कि आपको आपके लिए बात, इसलिए इस तरह का प्लान हम लोग जो है वो तो जनता को जागृत ही कर सकते हैं, जनता को जगाने का ही काम कर सकते हैं और जब हम जनता को बुलाया तो अच्छे चिंता मत कीजिए, इस तरह की बात जो है कछुआ और खरगोश में सबसे ज्यादा तेज खरगोश दौड़ सकता है लेकिन कहानी में कछुआ जीतता है, ये बात हमें याद रखना होगा। ये पता है कि आज के दौर में दलितों को शिक्षा से वंचित करना, गरीबों को शिक्षा से वंचित करना और शिक्षा को बाजारीकरण बनाना ताकि संसद में संविधान पे कोई सवाल ना खड़ा करे, इसलिए शिक्षा को ऐसा महंगी बना दो कि शिक्षा का कमर टूट जाए। जो वंचित समूह के बच्चे हैं वे शिक्षा से दूर होंगे। दूसरा, जो लड़कियां हैं यहाँ तक कि मध्यम वर्ग की लड़कियां हैं वे भी शिक्षा से दूर होंगी। कि पिछले ही साल इसी बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी का शकील अहमद विधायक के प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया था कि 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में जाने में करीब 60,000 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है और 2017 से 18 में फिर 50,000 लड़कियां कम हो जाती हैं 8th क्लास में आने में। यह बताता है कि लड़कियों के प्रति किस प्रकार, जबकि उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि मैट्रिक पास करेगी तो या इतना स्कॉलरशिप उसको प्रदान किया जाएगा, इंटर पास करेगी तो इतना स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा, इन सब के बावजूद बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं। और जब स्कूल दूर होंगे, जब डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था होगी तो शिक्षा का स्तर भी गिरेगा और वंचित समूह और कमजोर समूह जिसमें लड़कियां भी हैं दिव्यांग भी हैं इन लोगों का बड़ी तादाद में वे वंचित हो जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार रॉय है, मैं राइट टू एजुकेशन फोरम बिहार का प्रांतीय संयोजक हूँ। प्रांतीय सम्मेलन था और इसमें हम लोग के कम से कम 15 ज़िले से हमारे साथी आए थे और उन साथियों ने भी अपने अपने अनुभवों को शेयर किया है यहाँ पे। और हम लोग बाद के दिनों में इस प्रांतीय सम्मेलन के बाद एक राज्यव्यापी एक हम लोग अभियान चलाएंगे और